तो कन्हैया बोले, मैया चिंता क्यों कर रही हो, मैं और मेरा भैया सुदामा हम दोनों जा रहे हैं लकड़ी तोड़ करके ले आएंगे। तो कृष्ण और बलराम दोनों भैया लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में आए हैं। कृष्ण ने कहा, भैया सुदामा एक काम करो, आप इस वृक्ष पर चढ़ जाओ। तो सुदामा ने जवाब दिया, देखिए भैया आप मुझसे कह रहे हैं मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं, नहीं क्यों, मैं भैया ब्राह्मणों को लड़का हूँ तो यादवन को लड़का है, और यादवन के लड़का ज्यादातर वृक्ष पर बहुत चढ़ते हैं, और तूने देखे माखन लूट लूट खाया करता हूँ, गोपियों के चीर चुराया करता, तो तू वृक्ष पर चढ़ता रहता था, तुझे आदत है, इसलिए भैया तू ही चढ़ जा। भगवान कन्हैया को वृक्ष पर चढ़ा दिया। लकड़ी तोड़ने लगे तो लकड़ी तोड़ते तोड़ते भगवान कन्हैया को शाम हो गई, थोड़ी बूंदे भी पड़ने लगी। अब जब चले थे घर से तो गुरमैया ने सुदामा को थोड़े से चना दिए थे, थोड़े चना दिए थे गुरमैया ने, और ये कहा था कि भूख लगे दोनों भैया मिल बांट करके खाना। अब वही चना सुदामा को भूख लगी, उसने निकाले निकाले, मन में विचार किया कि अगर मैं इसमें से डबल हिस्सा करूंगा तो नहीं तो मेरा पेट भरेगा और ना ही तो कन्हैया का पेट भरेगा, मैं एक काम करता हूं, मैं स्वयं अकेले ही चल लेता हूं। सुदामा ने वो चना निकाले, कन्हैया की तरफ ऊपर के लिए निगाह किया और वो चना चबने लगे। जब चना चबने लगे भगवान कन्हैया सुदामा, तो कहते हैं ना कि चना की चीज चाहे आप कितनी चुप से सिखाओ फिर भी उसकी आवाज आती है। चना चबराए, सुदामा कन्हैया के कानों में आवाज पड़ी, ऊपर से कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे भैया सुदामा मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया अरे कुछ तुम्हारे पास हो तो दे दो, हमारा भूख की वजह दम निकला जा रहा है। तो सुदामा ने कहा, भैया कन्हैया तू खाइबे की बात कर रहे, अरे तेरे साथ मैं आयो और मेरे पास का कछु ना है, ये ठंड पड़ रही है ना, बूंदे पड़ रही है, तो इस ठंड की वजह मेरी दांती बोल रही, बल्कि मैं कुछ खा नहीं रहा हूं। भगवान बोले, बारे सुदामा इतना कपट, इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। तो भगवान कन्हैया जैसे ही घर आए, भगवान कन्हैया घर आए और गुरमैया ने जब देखा कि सुदामा हंस रहा है और
कन्हैया उदास है क्योंकि जब इंसान को भूख लगी तो चेहरा उदास पड़ जाता है। तो गुरु मैया ने कहा, हे लाला कन्हैया। हाँ मैया। एक बात हमें जो बताओ। बोलो मैया। तुमसे हमने माखन लाने को कहा, लकड़ी तोड़ने के लिए कहा, तो तुम नाराज हो गए मैया? हाँ, हमें बहुत तेज से भूख सता रही है। भूख सता रही है? हाँ मैया। मैंने सुदामा के लिए चना दिए, कैसे ने तुम्हें चना नहीं दिए? मैया सुदामा ने तो मना कर दिया। ए सुदामा, क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, मैंने आपसे कहा था चना देते समय के दोनों भैया मिलवांट के खाना, लेकिन आपने कन्हैया को नहीं दिए। भैया हाँ, हमने सुदामा के लिए चना दिए थे, सुदामा ने हमसे मना कर दिया। मुझे भूख नहीं लग रही, तू खा ले। जब इतने खाए ना आए तो कहे ना कि मुंह में कम बिलना से ठूस दे। तो एक बात जब बताओ, क्यों भाई कन्हैया? भैया सुदामा जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सच कह रहे हो? ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इनकी भैया झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल तेरी बातों से पता चल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। चलो पल्ली पुत्र मो करे, कैसे मुझसे क्या आ रहा है, झूठ बोल रहा है और मुझसे क्या आ रहा है। गुरु मैया ने कहा, सुदामा जा, तूने आज कन्हैया से चनाओं के पीछे कपट किया है तो तू दीन गरीब हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और क्या हुई निर्धन, क्या हुई कुड़ी। जा सुदामा, तू दीन गरीब हो जाएगा तो एक न एक दिन तुझे कन्हैया के पास झुक करके आना ही पड़ेगा। अभी सुदामा की गरीबी नहीं हो रही है भैया, ये द्वारका का निर्माण होगा, उसके बाद में रुक्मणी का विवाह आएगा। इतनी कथा करा ली, अभी इतना ज्ञान ही नहीं है। इतना तो कम से कम सोचा करो कि हम कहेंगे गलत नहीं बोलेंगे, जैसे हम कथा कहते चले आ रहे वो कह रहे, लेकिन आप पीछे से मेरे मिस्टेक करते हो। अब अभी पहले तो चलो कोई बात नहीं, अब आप आए सो आए परीक्षा तुम्हारा, अब ऐसे बीच में मिस्टेक टोकोगे नहीं। कथा कथा विस्तार से योगी कथा छोड़ूंगा नहीं। भगवान कन्हैया सुगुर मैया ने कहा, जा सुदामा तू दीन गरीब हो जाएगा। तो सुदामा ने कहा, मैया फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले, ये तो तुम्हें कन्हैया बताएंगे तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। उसी वक्त भगवान कुछ दिन तक रहे और उसके बाद गुरु जी से आज्ञा पाकर के कन्हैया सात समुद्र के बीच में जाकर एक छोटा सा नगर बसाया, जिस नगर का नाम पड़ा है द्वारिकापुरी। और द्वारिकापुरी में रहकर के भगवान अपना वास करने लगे, उज्जैन नगरी में विद्या अध्ययन करके आए। बड़े भाव के साथ भगवान कन्हैया द्वारिका में अपना राज चला रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ कन्हैया रह रहे हैं। आइए कन्हैया की प्रथम शादी के बारे में देखें। बताया तो ये जाता है कि हमारी तुम्हारी सी पावन धरती भूमि पर कुंदनपुर के रहने वाले महाराज भीष्मक राज किया करते थे। महाराज भीष्मक राज किया करते हैं तो महाराज के घर में एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी बेटी का नाम है तो कहते हैं ना कि बेटी जब घर में जवान हो जाती है तो पिता तो खैर काम काज में लगे रहते हैं, उन्हें इतना महसूस नहीं होता है, लेकिन बेटी के जवान होने की वजह माँ देखती रहती है, आखिर मेरी लड़की बड़ी हो गई तो कहीं ऐसा ना हो गलत कदम उठा दे, उससे पहले मैं इसकी शादी करा दूं। रुक्मणी की माँ ने महाराज भीष्मक के लिए आंगन में बुलाया और भीष्मक को आंगन में बुला करके बोली है, महाराज ये बोलिए सुनो, घर बिटिया
महाराज भीष्म कहने लगे, चिंता क्यों कर रही हो।